नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय एकता भाईचारा समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये धरना प्रदर्शन भारत के मुसलमानों पर पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया। पिछले चार दिनों पहले एक खबर पूरे देश में ये आई है और वो बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में, जो गुरु नानक देव की जन्मभूमि है, पवित्र भूमि है और करोड़ों हमारे सिख भाइयों के आस्था का केंद्र है, वहाँ एक 18 वर्षीय सिख बहन को रात के 2 बजे वहाँ के तथाकथित मुस्लिम नौजवान रात में जमा होते हैं और उसके घर से उसको निकाल कर ले जाते हैं और कल होकर घर वालों को पता चलता है कि उसको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया गया। और उससे उस लड़के ने, जो लेकर गया था एक लड़के, उसी में से एक लड़के ने उससे निकाह कर लिया। उसका बाज़ाफ्ता वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने उसे देखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये प्रदर्शन नायाब तहसीलदार के द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखवाने और धमकी देने के विरोध में किया गया। दरअसल भोजराज सत्यपाल की भूमि शहरी क्षेत्र जेवर में स्थित है। इसी जमीन को तहसीलदार ने फर्जी तरीके से हथियाने और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। वहीं पीड़ित ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जमीन को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। हमारी जमीन को कुछ भूमाफिया लोग और प्रशासन की मिली भगत से और भारी रिश्वत की मात्रा में नायब तहसीलदार अखिलेश की ने लेने के कारण हमको जमीन से बेदखल करने की कहते हैं और जान से मारने की धमकी के देते हैं और झूठे मुकदमा फंसवाने की भी कहते हैं। तो नायब तहसीलदार की जांच आख्या है, उन्होंने जांच आख्या में कहा है कि ये हमारी दादा लाई पैतृक इनकी संपत्ति है और तहसील स्तर से इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। अच्छा। परंतु नायब तहसीलदार अखिलेश जी का कहना है कि ये तो कुछ जानते नहीं है, इनसे आख्या देनी नहीं आती है। उन्होंने झूठी आख्याएं तैयार करके हमारे खिलाफ, हम पर जो है भूमाफिया बताने की कोशिश की है। तो हम गरीब आदमी हैं और हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, हमको भगा छीनते हैं हम पे थे और हम अपने बच्चों लेके कहाँ जाएं। हमारे दादाली जगी है, दादाली भी जगी, हमारे खतौनी भतौनी सब कुछ है। बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस की तत्परता की वजह से मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बच गई। मामला बछवारा थाना क्षेत्र के चमथा की है। दरअसल चमथा नंबर 1 के ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर एक विक्षिप्त को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गनीमत रही कि घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर भीड़ तंत्र से किसी तरह युवक की जान बचाई और युवक को स्थानीय PSC में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी के जालौन में एक नाबालिग लड़की का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला जालौन के आटा गांव का है। लड़की के शव को तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की गई है। वहीं मौके पर पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी भी पहुंच गए। वहीं रेप की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ये झाड़ियों के पास जो है एक 15 वर्षीय लड़की का कि यहाँ पर बॉडी मिली, जिसके मुंह पर चोट है। कल शाम को जब सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी तो 363 का मुकदमा कड़ी पंजीकृत कर लिया गया था और इस समय मैं यहाँ पर हूँ घटनास्थल पर। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक जालौन है और अपर पुलिस अधीक्षक और बाकी टीम है हमारी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमारी टीम ने अपना काम किया है और इसमें जो तथ्य अभी तक आए हैं सामने, उसमें एक व्यक्ति को हमने हिरासत में भी लिया है। यूपी के जालौन में CM योगी आदित्यनाथ ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें, PTC की नींव 2013 में रखी गई थी। आज यह ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहां पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की। बाद में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बिहार में दहेज के खातिर एक बार फिर ससुराल पक्ष ने विवाहिता को जहर खिला दिया। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नावकोठी गांव निवासी मिथिलेश महतो की 1.5 साल पहले खगड़िया जिले के लाव गांव निवासी किरण देवी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही किरण देवी के साथ दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी। गुरुवार को भी मारपीट की गई थी, जिसके बाद किरण अपने मायके चली गई थी, लेकिन ससुराल वाले शुक्रवार को उसे ले आए। रविवार की रात उसके साथ मारपीट की गई और जहर खिलाकर आत्महत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि हमें
पहले एक दिन या दो दिन पहले ये सूचना एक मीडिया के मार्फत से ही मिला था कि आपके क्षेत्र की कोई औरत है जो कि खेत में बेहोश थी और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया है। लेकिन हॉस्पिटल में उनके द्वारा पता किया गया, अगल बगल भी पता किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो किनकी पत्नी है। रेवाड़ी शहर में जगह जगह अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाए गए हैं। शहरवासियों को टावर से निकलने वाली तरंगों के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला लक्ष्मी नगर का है, जहां पर पहले से एक टावर मौजूद है और दूसरे टावर का निर्माण किया गया है, जिसका विरोध कॉलोनी वासी लगातार कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों को कहना है कि कॉलोनी में एक प्ले स्कूल और रेजिडेंशियल एरिया है, जहां पर टावर लगाना उचित नहीं, क्योंकि टावर से निकलने वाली तरंगों से बुजुर्गों, बच्चों और कॉलोनी वासियों को गंभीर बीमारी होने का खतरा है। उन्होंने टावर के निर्माण को रोकने के लिए DCCM विंडो तथा अन्य संबंधित विभाग को शिकायत की है, लेकिन फिर भी टावर का निर्माण करवाने की कोशिश की जा रही है। लीगल वे से बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा, हमने काफ़ी कोशिश कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम गए हैं तो वहाँ भी हमने यही कहा है जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ, पुलिस के पास गए हैं तो वहाँ भी गया है, कंपनी के सामान उतार रहे हैं उसे भी वो यही बोला है कि आप अपनी परमिशन दिखाइए, उन्होंने आज तक अभी तक एक भी परमिशन नहीं दिखाई है और ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लीगल नहीं होगी, आपको मैंने बता दिया बाइट लेनी है तो साहब से लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन द स्पॉट अधिकारी ने हमें बाइट देने से मना कर दिया है, तो इन्होंने कहा है कि बाइट खाली आपको हमारे उच्च अधिकारी यहाँ पर SHO डामपुरा थाने दे सकते हैं, परंतु इन्होंने पूरा मैटर देखने के बाद भी एक कहीं ना कहीं मैटर को छिपाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि ऑन द स्पॉट यही अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, विजेंद्र सिंह SI, तो क्यों किस लिए ये बाइट देने से मना कर रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश में 20 चुनाव का शंखनाद होने वाला है, जिसको लेकर वर्तमान सत्ताधारी BJP सरकार अपने कार्यों का गुणगान कर दोबारा सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए वर्तमान CM खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा कर विश्व चुनाव के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। बाबल से विधायक व हरियाणा प्रदेश मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि जितना काम BJP सरकार के समय बाबल क्षेत्र में किया, उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार द्वारा बाबल में बस स्टैंड व बाबल क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको दोबारा मौका देती है तो वे स्वास्थ्य और स्थानीय लोगों को बाबल क्षेत्र में स्थापित निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने पर जोर देंगे। टिकट मिलने की बात पर बोले कि यह तो हाईकमान ही तय करेगा कि टिकट किसे दी जाएगी और किसके कंधों पर चुनाव की जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ आज हरियाणा प्रदेश में मंत्री व बाबल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जी मौजूद है। आइए हम सर से पता करते हैं कि 31 तारीख को खट्टर साहब बाबल में आ रहे हैं, तो उसको लेकर MLA साहब, मंत्री साहब ने क्या क्या तैयारियाँ की है और क्या क्या इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। अभी मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब की यात्रा चल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, काफ़ी जोरों शोरों से हर जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, काफ़ी भारी समर्थन मिल रहा है, तो बावल में इस यात्रा को लेकर क्या तैयारियाँ है और क्या रोड मैप आपने तैयार किया है। बावल में भी जो जन आशीर्वाद यात्रा पहुँचने वाली 31 तारीख को, तो उसके लिए हम काफ़ी दिनों से गांव-गांव में जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों में काफ़ी जोश है, और जिस तरह से पूरे हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उसी तर्ज पर हमारे बावल विधानसभा में भी लोगों में काफ़ी जोश है और काफ़ी मात्रा में लोग आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने पिछले 5 साल में बावल विधानसभा के लिए विकास कार्य करवाए हैं, उन विकास कार्यों में अभी 8-10 प्रोजेक्ट हमारे हैं, उनके उद्घाटन भी होंगे और 2-3 प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास भी होगा, तो लोग काफ़ी अच्छी संख्या में आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। ये थे हमारे साथ बावल से विधायक व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, जिन्होंने अपना बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा को बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से प्रयास किए और काफ़ी बावल विधानसभा क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसको इन्होंने अभी ने बताया है, और इनको लगता है कि आने वाले समय में अगर इनको दोबारा विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो ये स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो छोटे मोटे काम बावल के लिए करने हैं उन पर फोकस करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डॉक्टर साहब को टिकट मिल पाती है या इनके जो प्रतिद्वंदी है टिकट की लाइन में लगे हुए हैं वो टिकट इनसे क्रॉस करते हैं। हरियाणा प्रदेश में विश्व चुनाव को लेकर वर्तमान सत्ताधारी सरकार दोबारा से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा जनता का दिल जीतने के लिए पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकाल रही है। यहां जन आशीर्वाद यात्रा का रेवाड़ी पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव के कमलम कार्यालय पर यात्रा के स्वागत के लिए हवन का आयोजन किया गया।
जहां पर सीएम ने भी आहुति डाली तथा विजय की कामना की। सीएम साहब ने अपनी बस से लोगों से हाथ मिलाकर वे संबोधित करके उनका आशीर्वाद मांगा। यह यात्रा 18 अगस्त से पंचकुला से शुरू होकर 8 सितंबर को पीएम के रोहतक में भव्य रैली के साथ समाप्त होगी। राजधानी के जेकेलोन अस्पताल के आईसीयू के आग लगने से पूरी तरह से जले आईसीयू को पुनः चालू किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए आग लगने के तुरंत बाद आग के कारणों का पता लगाकर तुरंत रेनोवेशन का काम करवाया, जिसका एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी ने उद्घाटन किया, जिसको लेकर अस्पताल अधीक्षक अशोक गुप्ता ने बताया कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसे पुनः ठीक कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आग के कारण आईसीयू पूरी तरह से जल गया था। आग लगने का कारण एक तो पता लगाया गया है, वो शॉर्ट सर्किटिंग थी, तो ये जितने भी पुराने तार हैं उनको रिप्लेस किए ताकि शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना कम से कम करें। दूसरा एमसीपी जो बैकअप के लिए चाहिए थे वो लगाए। इसके अलावा फिर भी हादसे के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, और 6 ऐसे स्पॉट्स हैं आईसीयू में जो हर एरिया को कवर कर पाएंगे, वहाँ हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए। प्रदेश भर में उर्दू विषय की बिगड़ती हालात को देखते हुए और स्कूलों में उर्दू की किताबें नहीं पहुंचने की वजह से राजस्थान उर्दू शिक्षक सीएम आवास पर पहुंचे। यहां पर प्रदेश भर में बिगड़ी हुई उर्दू विषय के हालात पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के बैनर तले इन सभी ने प्रदेश अध्यक्ष अमित कायम खाने के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह एक निजी होटल में आयोजित किया गया। यहां 110 से ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मंसूरी पंचायत सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया। अयोध्या विधायक और मुख्य विकास अधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोग नियंत्रण की शपथ दिलाई गई और अलग अलग विभागों के अनुसार उनको जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तृतीय चरण की शुरुआत विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्टर परिसर में संयुक्त रूप से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। आज हम लोग संचारी रोग के तृतीय फेज में हैं। तो संचारी रोग मुख्यतः मच्छर या दूसरे प्रकार के इससे फैलता है, तो इसमें सभी विभागों का समन्वय बनता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग को गांव के साफ सफाई पर ध्यान देना है, पशुपालन विभाग को शुकर पालन पर प्रतिबंध करना है जो उनसे बीमारियां फैलती हैं उस पर रोक लगानी है, नगर निगम को नगर निगम क्षेत्र में फॉगिंग करनी है, उसी तरह और भी बहुत सारे विभाग हैं। बेसिक शिक्षा विभाग को बच्चों में जागरूकता फैलानी है, इसकी बच्चों रैली निकालनी है ताकि गाँव वालों को इसमें पता चले वो अपनी घर की भी साफ सफाई रखें। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनी थी, उसके बाद गोरखपुर में ये पिछले कई वर्षों से सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर ये बच्चों की बीमारी होती थी, जिससे जो है सैकड़ों बच्चों की डेथ होती थी और बहुत ज़्यादा ये इस बीमार पूर्वांचल के अंदर ये बीमारी बच्चों की फैलती थी संचारी रोगों में। उसके बाद मलेरिया और तमाम तरह के बुखार आदि भी बरसात के सीजन में काफ़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़े गंभीरता से संज्ञान में लिया और इस पर काम शुरू किया। ये तृतीय संचारी नियंत्रण अभियान का ये आज तृतीय वो है वर्ष है। एमपी के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कुछ कांग्रेसी नेताओं ने शहर के माधव चौक चौराहे पर धरना दिया और एक दिवसीय अनशन पर बैठे। इन लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की मांग की। इसके साथ ही पूरा भरोसा जताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मिलेगा और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। वहीं धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाहा का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वोट मिले थे और सिंधिया के कारण ही कांग्रेस सरकार बनी थी। सिंधिया को सीएम पद ना देकर भी वरिष्ठों ने धोखेबाजी की है। उनका कहना है कि वह सिर्फ सिंधिया के साथ है और सिंधिया के साथ ही रहेंगे। श्रीमंत सिंधिया जी जो है के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, जो आगे जो चुनाव हुए थे पिछली बार विधानसभा के, युवा साथी जो है केवल ज्योतिराज सिंधिया जी को ही देखकर उनने वोट किया था, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चे हों उन्हीं की दम पर ये सरकार बनी थी। केवल ज्योतिराज सिंधिया जी को धोखा देकर ये पद जो है दूसरे को दे दिया, और हमको सभी को ये जानकारी थी, पूरी जनता को मध्य प्रदेश में जानकारी थी
कि ज्योतिराज सिंधिया ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्हीं के दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। विश्व जनसंख्या दिवस के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 2018-19 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी पंचायत राज में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान CMHO डिप्टी, CMHO आशा सहयोगियों और ANM का सम्मान किया गया। परिवार नियोजन पर काम करने के चलते झालावाड़ जिले पर प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसके बाद दूसरे स्थान पर 12 और तीसरे स्थान पर कोटा को सम्मानित किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आज देश में लगातार जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। चीन के बाद जनसंख्या वृद्धि में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर देश में ऐसे में जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आमजन को हम दो और हमारे एक की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। हाथरस के थाना सादाबाद के कश्यप नगर में चाचा और भतीजों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने चाचा के सीने पर चाकू मार दिया। वहीं अस्पताल ले जाते समय चाचा रघुवीर की मौत हो गई। आरोपी भतीजा वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सांबला के वरवासा गांव में गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। यहां ग्रामीणों की उपस्थिति में मंचोच्चारण से पूजा करके गणेश जी की स्थापना की गई। इस अवसर पर समस्त ग्रामीणों और युवा मंडल मौजूद रहा। यूपी के हाथरस में पोखर में 4 वर्षीय मासूम का तैरता हुआ शव मिला। आपको बता दें, मासूम आंगनबाड़ी केंद्र से 2 दिन से लापता था, लेकिन शव को पोखर में देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। मासूम का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नवतेज TV।